लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 51 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि इस चरण में कुल 63.4% मतदान हुआ है और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी की सीटों पर भी इसी चरण के तहत मतदान हुआ है। आपको साथ ही बता दें कि पांचवें चरण में 51 लोकसभा सीटों पर 8.76 करोड़ पंजीकृत मतदाता और 674 उम्मीदवार थे। इस चरण में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यानी कि 74.15% वोटिंग हुई है, वहीं यूपी में 54.82, राजस्थान में 63.36, मध्य प्रदेश में 63.51, बिहार में 57.76, झारखंड में 64.23 और जम्मू कश्मीर में 17.07% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि कई दिग्गजों की किस्मत इस चरण के मतदान में ईवीएम में कैद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यानी कि 74.15% वोटिंग हुई है, जम्मू कश्मीर में 17.07% मतदान हुआ। आपको बता रहे पांचवें चरण में 51 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इसी के साथ कई दिग्गजों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 74.15% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको बता रहे, जहां पांचवें चरण का चुनाव भी अब संपन्न हो चुका है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में इसमें वोटिंग दर्ज की गई है और इसमें कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसमें स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी भी शामिल हैं। 51 सीटों पर पांचवें चरण में वोटिंग संपन्न हो चुकी है, कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में साथ ही कैद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 74.15% वोटिंग दर्ज की गई, वहीं जम्मू कश्मीर में 17.07% वोटिंग हुई है, 51 सीटों पर वोट डाले गए हैं। तो वहीं राजस्थान की भी अगर बात करें तो दूसरे और आखिरी चरण की 12 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। पांचवें चरण में 51 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है कल और इसके साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दिग्गजों में राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। 51 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण आपको बता रहे, कल राजस्थान में भी मतदान हुआ था, 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं कल राजस्थान में। 7 राज्यों की 51 सीटों पर कल मतदान संपन्न हो चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुई है, वहीं जम्मू कश्मीर में 17.07% वोट डाले गए।